आपके शरीर में कौन सा अंग है जो आपको संदेश देता है? सबों को जय शु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको याद होगा 2008 में कंधमाल में ईसाइयों के विरुद्ध क्रूर अत्याचार किए गए। हजारों की संख्या में ईसाई भाई बहन मारे गए, उनके गिरजाघरों को जलाया गया। और जब यह घटना घट रही थी तो उन दिनों एक तस्वीर उभर कर आई जो दिल को स्पर्श करती थी। हृदय स्पर्शी तस्वीर उभर कर आई, ये कहीं गिरजा की तस्वीर थी जिसे जला दिया गया था, लेकिन जो क्रूस था उस क्रूस में प्रभु यीशु के हाथ टूटे थे, पैर टूटे थे, और उसके नीचे लिखा हुआ था, प्रभु यीशु के हाथ नहीं हैं, क्या तुम प्रभु यीशु के हाथ बनना चाहोगे? प्रभु यीशु के पैर नहीं हैं, क्या तुम प्रभु यीशु के पैर बनना चाहोगे? बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही संदेश आज के सुसमाचार में हमें दिया गया है जो मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 7 में है। मित्रों, प्रभु यीशु दो दो करके अपने शिष्यों को कस्बों में भेजते हैं, शहरों में भेजते हैं, गांवों में भेज रहे हैं, और उन्हें अधिकार देते हैं ताकि वे अपदूत ग्रस्तों को चंगाई प्रदान करें, ताकि वे जो बीमार है उन पर मलहम लगाकर उन्हें चंगाई दे सके, ताकि वे वही काम कर सके जो प्रभु यीशु ने किया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपको एक साइंस से, विज्ञान से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, आप इसका जवाब दीजिए। आपके शरीर में कौन सा अंग है जो आपको संदेश देता है? जब कुछ ठीक नहीं होता तो कौन आपके शरीर में संदेश भेजता है? मस्तिष्क। जब ठंड होती है तो मस्तिष्क आपके शरीर में संदेश भेजता है और कहता है, ठंड हो रही है, गर्म कपड़े पहन लो। जब आपको भूख लगती है तो मस्तिष्क ही आपको संदेश देता है और कहता है, भूख लगी है, किचन में जाकर कुछ खा लो। मेरे मित्रों, आपके आध्यात्मिक जीवन में इस मस्तिष्क का काम कौन करता है? कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु करते हैं, क्योंकि संत पौलुस हमें बताते हैं कलोसियों के नाम अध्याय 1 पद संख्या 18 में, प्रभु कहते हैं, प्रभु माता कलीसिया के शीर्ष हैं और सब हम सभी उसके अंग हैं। प्रभु माता कलीसिया के शीर्ष हैं और सब हम सभी उनके अंग हैं, अलग अलग अंग हैं। तो आज का संदेश मात्र यही है मित्रों, कि प्रभु यीशु हमारा शीर्ष, हमें जो आदेश देता है हम वही करें। जब प्रभु कहते हैं उपदेश दो, हम उपदेश देते हैं। जब प्रभु कहते हैं चंगाई करो, तो हम चंगाई देते हैं। हम नहीं बल्कि हमारा शीर्ष काम कर रहा है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो एक निमंत्रण है, एक आमंत्रण है, कि प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले जो काम किया वही आज हमें करना है। जैसे ही प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया हर वो काम करने के लिए जो स्वयं प्रभु यीशु किया करते थे, वही अधिकार हमें वो देता है और कहता है, तुम भी वही करो। ध्यान से सुनो प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है। यूहन अध्याय 14 पद संख्या 12 से 18 तक प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वही काम करेगा जो मैं करता हूं। फिर प्रभु कहते हैं, वह तो उससे भी महान काम करेंगे, वह तो उससे भी महान कार्य करेंगे। मेरे मित्रों, आप प्रभु यीशु के पैर हैं, आप प्रभु यीशु के हाथ हैं, आप प्रभु यीशु के जुबान हैं, आंखें हैं, जो प्रभु यीशु 2000 साल पहले अपनी आंखों से देखा करते थे, वो आज प्रभु यीशु कहते हैं, तुम अपनी आंखों से देखो। प्रभु यीशु अपने हाथों से 2000 वर्ष पहले जो कार्य करते थे, आज प्रभु यीशु आपके हाथों से करना चाहता है। यह कुछ और नहीं, यह मात्र यही संदेश देता है कि प्रभु आज जिंदा है,
आपके कार्यों के द्वारा, आपके दृष्टि के द्वारा, आपके स्पर्श के द्वारा और आपके कदम जहाँ ले जाते हैं उसके द्वारा प्रभु आज भी जिंदा है। और दूसरे शब्दों में प्रभु आप में कार्यरत है। प्रभु का वचन आप ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। कुलोशियों के नाम अध्याय 1 पद संख्या 21 प्रभु कहते हैं, वह हम में अब भी क्रियाशील है। प्रभु हम में अब भी क्रियाशील है और उसके सामर्थ्य से हमेशा संघर्ष में मैं लगा रहूंगा, मैं संघर्ष करता रहूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु अब भी मुझ में क्रियाशील है ताकि मैं दूसरों तक प्रभु के कार्यों को पहुंचा सकूं। सबों को जय शु, आमीन।